TBN त्रिशूर ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है, शाम का वक्त है, आप के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नमस्ते नमस्कार। खुर मेरा दोस्तों, आज खबर है डाक ब्लॉक सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि बीफे है अगस्त की 19 तारीख नई खनतीन औखुश्त सो चला। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद बधाई हम देते हैं, अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और एक ही दम ये भी बता दें कि आज के लिए कॉम्बियो कोर्स US डॉलर 81 तक 5 तक है, और फिर एरो के वास्ते 3 तक तख तक है। फिर तेल का दाम, यह तो आपको मालूम है, सभी सर्विस स्टेशन के पास कम वेश एक ही तरह का दाम है तेल का। ऑन लेदर 55 नीह तक, और डीजल के वास्ते 75 नीह तक। ये भी आपको बता दें कि अलग कंतोरन तेलेसूर दिख्त, जितना दफ्तर है कंतोरो है तेलेसूर का, सभी बंद है, सभी बंद है कि एक माछी भी अंदर नहीं घुस सकता है। तो आपको ये भी मालूम हो गया है। आसाबीना बैप का जो है कहता है द ह्यूमानिटेर सिटिवासी एस फेरफन इदियाल बास स्कूदर ने प्राइस में 200-300% स्टेकन एंड ना खनुख ओम बतालबार फोर खमिदल बिरखर। बोले कि इस वक्त में जो हालात है, यानी कि हकीकत हालात जो है ना, हकीकत से बिल्कुल बाहर जो हालात है हमारे देश के अंदर लोगों के ऊपर, तो ये हकीकत से बिल्कुल बाहर है। और इसलिए कि जो सामान है बासस खुदरन न, वो कम बेस्ट वे होंदत से लेकर 200 से लेकर 3% चढ़ गया है, और लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है इसको ख़रीदने के लिए, यानी कि खर्च इस पर करने के लिए। यह भी बता दे वैवैसे हैं रेवैत नूर नमर प्लातन फोर तयन वर्दन परसोंस बोंदन। बोले रेवैत के सिलसिले में जो कानून बदला जाएगा तो नमर प्लात जो मोटरगाड़ी का है सवारी का, ये लागू रखेगा, ये लागू रहेगा, यानी कि व्यक्तिगत लोगों के ऊपर, यानी कि संबंध रखेगा लोगों के ऊपर। खफाल के सितिवासी अब दैखनार जंदरई, जंदरई के रास्ता जो है बहुत गड़बड़ है भैया, खफारलक हो गया, बहुत गड़बड़ है हालात यहाँ पर, बहुत मुश्किल। लोग न जख्म खा सकते हैं, लोग को मुसीबत हो सकता है। आसा बीना जो बात बोला है तो भैया ये आसाम ले लेत, और देखो अखबार में जा जा कर ये लोग अपना शिकायत करते हैं, भैया ये तो आसाम ले लेत है, पार्लियामेंटारियर है, यानी कि नेशनल असेंबली है वो जगह जहाँ पर ये लोग इसके सिलसिले में गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन अखबार के पास जाते हैं अपना शिकायत देने के लिए या जो बातें ठीक नहीं उसके सिलसिले में कहने के लिए। और ये बता रहा है अपनी बातों में कि फिनेंशियल इकोनॉमिक हालात जो है गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, पैसा कौड़ी की जो इकोनॉमिक हालात है बहुत मुश्किल है। रखेरे का जो जिस तरह से शासन कर रहा है इकोनॉमी, फिर ये लोग यानी कि ठीक करना चाहते हैं तो बहुत मुसीबत नज़र में आता है, ना हकीकत से बहुत दूर है। डी लाइट ऑन द फेल प्राइस टेकिंगन, बोले बहुत से ऐसे दाम जिस पर ज़्यादा पैसा लोग तलब करते हैं, और बोले बहुत से ऐसी क्रिसिस है जैसे कि खसौंत है खबीत मार नित ऑन बलंग रेकर हैबन वाई ओक तमाकन मैथ एंड फिनेंशियल इकोनॉमिक्स एंड बदरेफ है क्रिसिस। बोले ये सब समस्या क्रिसिस जो है, इतना ज़्यादा क्रिसिस देश के अंदर है जो लोगों को यानी कि इस बात के लिए भी मुसीबत देता है, लोगों को गमगीन कर देता है कि फेल है सुरक्षा भी लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, बहुत मुसीबत है, यानी कि लोगों को सुरक्षा देने के लिए सोशल मच का प्लग मोरेल एथिस। ये तो कितनी बार हम लोगों भी कहा कि एक दूसरे के लिए कोई इज्जत मान मर्यादा नहीं रह गया है। अब देखो भैया, एक देश में प्रेसिडेंट जो होता है उसकी औरत जो होता है, भैया गुजरे हुए तो लोग नहीं ना ये जुर्रत किए ये बातें, और जो सोशल मीडिया पर बेहुदा बातें लिखते हैं और बेहुदा तस्वीर छापते हैं, तो गुजरे हुए सरकार के लिए ये लोग ये जुर्रत नहीं कर पाए और अब करते हैं। कम बेस तो जनता बैठाया है, इज्जत देना चाहिए, देश का प्रेसिडेंट है और उनके औरत के लिए
उनकी अर्धांगिनी के लिए इज्जत करना ज़रूरी है और इतनी इतनी बेहुदा तौर और तरीक़ पर ये लोग इन लोगों को गिराने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत अफसोस की बात है कि मोरेल एथिक, भैया ठीक बोला असाबीना ने, मोरेल एथिक फरफाल है हमारे देश के अंदर, नीचे हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि इज्जत मान मर्यादा लोगों के लिए अब हम लोगों को नहीं रह गया है। भैया अगर हालात ठीक नहीं जो ठीक नहीं उसके बारे में, लेकिन किसी को आपको हक नहीं बनता है बेइज्जती करने के लिए, गिराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए। द पोलिटिकस बखरेब एंड जैख है तरह तफेंदन दिन जेर ऑनस्टैम ऑन तफरीद तलोर खस्तैब एंड डिप्रेसिव इन फोर कोमद खफालन खतरोमा सेरत एस। बोले वो समझ सकता है, हकीकत में अगर मुश्किलात है तो भैया लोगों के ऊपर इतना मुसीबत डालता है कि लोगों कभी कभी इतना गम में पड़ जाते हैं, इतना मुसीबत में पड़ जाते हैं, इतना क्या कहते हैं हालात इतना बुरा हो जाता है, कभी कभी लोग को समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। तो भैया अगर ये बातें हैं तो इस पर नज़र डाल, लेकिन किसी को हक नहीं बनता आपको बेइज्जती करने के लिए, गिराने और नीचा दिखाने के लिए। लेर क्राख्तन है बन होग फॉर फूर्स कॉस्टन, यानी कि जो लेर क्राख्तन है आप जानते का ओ बे और से ओ बे, यहाँ का जो लेर क्राख्तन है अपना शिकायत पेश किए हैं कि इस वक्त में जो तेल का दाम चढ़ा दिया गया है तो इन लोगों को बहुत मुसीबत देता है फरफूर के लिए। और यह शिकायत यानी कि पितित्सी ये लोग मिनिस्टर जो है यानी कि अदरवाइज का इनके वास्ते इनके लिए पेश किए हैं, इनको दिए हैं। आजदात नीत मोहल एस फराखन जय अन फरफूस तुलाख, अगर ये नहीं हो सकता है तेल का दाम फिर से गिराने के लिए तो फरफूस तुलाख ये लोग चाहते हैं ताकि ये लोग के आसानी हो जाने आने के लिए, स्कूल पर बच्चों को सबक देने के लिए। और न सिर्फ इन लोगों को लेकिन तमाम के तमाम जितना अध्यापक अदरवाइज खैफंत पर्सनल होता है जो अदरवाइज देते हैं, इन लोगों के अंदर भी मुसीबत है कि ये लोग ये समस्या से यानी कि अपना खर्चा जो बर्दाश्त नहीं करते हैं, ज़्यादा तौर पर फरफूर के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा इन लोगों का होता है। मन आन खौदन दिजय में दरियार खस्तीफ डॉक्टर ऑन जैद अलग बतास्त, एक आदमी बेहुदा नहीं समझ पाते हैं कि हमारे औरत, हालांकि तुम्हारी बेटी नहीं है लेकिन वो औरत के साथ अपना ज़िंदगी आप बिताते हैं तो उनकी बेटी आपकी बेटी भी हुआ, तो ये भैया वो बेटी जो ये इनकी औरत का है करीबन ये आदमी का उम्र जो है 42 इनिशालन इनका है और ये 15 जुलाई का इनकी कमरा में घुसा, 16 साल की ये लड़की कमरा में लेटी थी ना, और ये आदमी अचानक इसके पीछे आकर लेट गया है। अगर जब ये देखा तो ये सवाल किया कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और ये आदमी उनका छाती वगैरह पकड़ने लगा और ये लड़की बहुत गुस्से में आया और उनसे कहा कि एक ही दम तुमको चाहिए यहाँ से निकल जाने की, वो चले गए। और ये बात अपनी माँ से जब बोली तो माँ बोले हम उनको घर से नहीं निकाल सकते क्योंकि हम हमल से है उनका इस वक्त में। तो भैया बच्ची बहुत अफसोस किया और अपने बाप को जो उनका हकीकी बाप है अपने बाप को ये बात बताया, बाप पुलिस के पास ले गया और पुलिस इस आदमी को पकड़ा। ऑफकोसपोर दोखनीत आन खतरफन ना एथ खबर फरमासी वेर द मैन ऑफ आख्त ऑफिस वेर ऑफकोसपोर ऑफ जैन वोन एड्रेस आन खोदन, और इनको तलाश करने के बाद पहली बार नहीं मिला, दूसरा बार आख्त ऑफिस को मिला तो पकड़ कर सिपाही इनको बंद किया है। मिलियोई बहर जैक साम वर के मैं डायरेक्टर ऑफ मिलियोई बहर, अब देखो ये लोग नहीं चाहते हैं डायरेक्टर के साथ जो वहाँ डायरेक्टर है उनके साथ काम करने के लिए। आलमीन बौंत जो है मिलियोई बहर का और फोर्स तर ह्यूको ब्लांकर बोले हैं कि हम लोग इस डायरेक्टर के साथ काम नहीं कर सकते हैं ना। ओपन बार खरून भोलानाथ नारायण जो है, भैया बोले भोलानाथ नारायण बोले जिस तरह से ये काम करवाना चाहते हैं बोले हम लोगों को मंजूर नहीं है और हम लोग इनके साथ काम नहीं कर सकते हैं। रेजन हीर टू फॉर्मर फॉक्स ब्लांकर दिस फोर खान द स्प्लेज जुआम हांडलिंगन न, बोले जिस तरह से ये हरकतें करते हैं एंड बेन है डायरेक्टरात एंड द मीड वर्कर्स जो हैव डायरेक्टर ऑफ हूज अख्तियों को पोख्त अमन खुरपेंग अमन खुरपेंग मैथ एन बदेंकल के सीखने तौर फैसिलिटेरन एन वर्क स्प्रे मैथ द अपडेलिंग ऑफ वाटरिंग फॉर डायरेक्टोरेट, तो कोशिश किया है ना कुछ लोगों को ना इस तरह से उनको भिजाने के लिए ना वहाँ पर काम करने के लिए जहाँ ये लोग नहीं चाहें। तो भैया देखो द आप बी पी एम हे फिर बाई द स्प्रेकिंग फॉर लातन ना, जो इनसे बातचीत हो रहा था तो वहाँ से निकल कर बौंत जो है
चला गया मेदवरत तुन खलाइक है थोर वेल फ्रॉम द बॉन्ड ऑफर बस्तूर खेब द मिनिस्टर फ्रॉम पंबार वर्क तो धूस द आफंत बोले मिनिस्टर को बुध के रात तक ये मौका देते हैं तो आज बिफोर कल रात तक मौका था तो मिनिस्टर तो है ये ना कौन आपकी बात सुनेगा कौन जवाब देगा हेड बस्तूर फॉर वेयर ऑफ द इन मैंग फ्रॉम द लेडिंग फॉर द डायरेक्टोरेट फेरम एंड नेम द प्रोटेस्ट एक्सी फॉर द मीड वर्कर्स ओवर अब जो प्रोटेस्टेर कर रहे हैं यहाँ का कार्यकर्ताएँ बोले उनको साथ दे रहा है भैया अफसोस बहुत अफसोस की बात है कि ऐसे ऐसे हरकतें होता है कि क्यों लोग अपने लोगों के साथ भैया इंसानी तौर और तरीक पर काम नहीं कर सकते रही जो वैसक होता है मैंने बता दिया है कि ये आपके ऊपर लागू रखेगा यानी कि व्यक्तिगत अलग कान तोरन तेले सूर देख आप जानते मंगरे फ्राक स्कोलन एर्द तस्लोयतन फनवी का हेता बोले जो गर्मी होता तो मंगरे जो फोर्सेतर है यानी कि और आसाम ब्लेलेट है ऑंदरवेश का जो फोर्सेतर है ये कहती जो गर्मी होता है मौत का बच्चों को पहनना पड़ता है दिन भर तो ये मांग किए हैं स्कूल ज़रा और जल्दी में बंद करने के लिए मिनिस्टर रामदीन कहते एक बखरेब ऐख लगता कौंसतरनासी इन जुरनाम नीत बोले जो इस तरह से लोग करते हैं अपना अपना क्या कहते हैं हरकतें करते अपना अपना ख्याल पेश करते हैं जिस तरह से लोग पेश आते हैं बोले हमारे समझ में नहीं बैठता है भैया बहुत मुसीबत है बहुत मुश्किल है सूरीनाम के लोगों को समझने के लिए बहरहाल आप कोशिश करो समझने के लिए तो आप देखेंगे आप समझ पाएंगे औरों भी आपको समझेंगे बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए भी अहमियत रखता हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं तमाम खबरें आज के लिए जो आपके लिए अहम ले लेना नहीं तो हमारे लिए और एक इसे और सोनी के लिए छोड़ देना इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे खुदा हाफिज़ नमस्ते नमस्कार अस्सलामु अलैकुम खुर्रम मेरा अलैकुम।